ये जो गाड़ी है बाहर से आते हैं और बहुत ही अभी आसान हो गया है, एक दिन में पूरा मेरा जो है 3-4 एकर है यहाँ पर ज़मीन, पूरा एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। 3-4 घंटे लगते हैं धान को काटने में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय, आप लोग का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, हम जो है आज अपने खेत में आए हैं, मेरा जो धान है पूरा पक गया है और आज जो है हम मशीन से धान को काटने वाले हैं और हम आपको दिखाएंगे कि मशीन से किस तरह से जो हम धान को काटते हैं। वैसे पहले तो हम धान को जो है हाथ से काटते थे, लेकिन अभी जो है हम मशीन से काटेंगे। पहले एक ज़माना था जब पूरा धान को हाथ से काटा जाता था, लेकिन अभी है जो है अपने एरिया में, पखंजूर एरिया में जो बाहर से गाड़ी आते हैं, बहुत ही आसान हो गया है अभी धान काटना। और चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे कि हम मशीन से किस तरह से धान को काटते हैं। तो पहले जो हम धान को हाथ से काटते थे तो काट के इस तरह से रखा जाता था और उसके बाद जो है इसे गठन बांधा जाता है। गठन बांधने के बाद आप देख सकते हैं सामने इस तरह से जो है धान को रख देते थे। उसके बाद नमस्कार, देखो कैसे धान का गठन बांधा जाता है। धान काटने के बाद किस तरह से बांधता है ज़रा सा नहीं पता है। ऐसा लग रहा धान अच्छा हुआ, एकदम जबरदस्त। तो इस तरह से जो है धान को इकट्ठा कर किया जाते हैं। उसके बाद जो है गाड़ी बुलाते हैं, गाड़ी बुलाने के बाद फिर से इसको धान को जो है भूसा से अलग किया जाता है। लेकिन दोस्तों अभी देखिए कितना आसान हो गया है, आप देख सकते हैं अभी जो है ये गाड़ी जो बाहर से आते हैं और ये जो गाड़ी है बाहर से आते हैं और बहुत ही अभी आसान हो गया है, एक दिन में पूरा मेरा जो है 3-4 एकर है यहाँ पर ज़मीन, पूरा एक दिन में कम्प्लीट हो जाता है। 3-4 घंटे लगते हैं धान को काटने में और जब हाथ से काटते थे तो बहुत ही टाइम लग जाता था, क्योंकि हाथ से काटने में टाइम लगता था। उसके बाद इसको सुखाने के लिए रख देते थे, फिर से गठन बांधा जाता है। गठन बांधने के बाद फिर से धान के गठन को इस तरह से इकट्ठा किए जाते हैं, उस गाड़ी बुलाना पड़ता है और गाड़ी बुलाने के बाद फिर से धान को इससे अलग किया जाता था। लेकिन अभी जो है ज़माना बहुत फास्ट हो गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं गाड़ी से धान को कटाई किया जा रहा है, बहुत ही फास्ट हो रहा है काम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो खेत में जो धान है पूरा जो है सो गए हैं और इसे काटना बोले तो बहुत ही मुश्किल है। और मशीन से हम जो धान को काटेंगे थोड़ा तो टाइम तो लगेगा, क्योंकि धान जब सो जाते हैं पूरा तो मशीन से काटते तो बहुत ही टाइम लग जाते हैं। तो दोस्तों आप आगे देख सकते हैं मशीन खड़े हैं, हम वहाँ पर जाएंगे अभी और मशीन को चालू करने के लिए बोलेंगे। अभी जो है धान का वॉकेट फुल हो गया है, अभी ट्रैक्टर जा रहा है, अभी जो धान जो है ट्रैक्टर में अभी खाली करेंगे, उसके बाद फिर से जो है कटाई चालू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम दिखाएंगे किस तरह से जो है वॉकेट को खाली किए जाते हैं। अभी जो है दोस्तों वॉकेट से धान देखिए किस तरह से गिर रहे हैं ट्रैक्टर पे, खाली होने के बाद फिर से जो है धान काटना चालू हो जाएंगे। अभी जो है वॉकेट खाली हो गए हैं और ट्रैक्टर पे धान को डाल दिया गया है, अभी जो है फिर से कटिंग के लिए आगे बढ़ जाएंगे गाड़ी।
पूरा बकेट खाली हो रहा है, दो बकेट में है जो ट्रैक्टर खुला जाते हैं।